हम घर में ही हम क्योर कर सकते हैं डैंड्रफ को बाय यूजिंग वन इंग्रेडिएंट। जी हाँ, बाय यूजिंग वन इंग्रेडिएंट। हाय गाइस, मेरा नाम है शैलजा। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे हम डैंड्रफ को क्योर कर सकते हैं, या फिर उसे रूसी भी बोलते हैं, उसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं। दैट इज़ बाय यूजिंग अ वन इंग्रेडिएंट, दैट इज़ लेमन। जी हाँ, लेमन से हम अपने डैंड्रफ को क्योर कर सकते हैं इजीली एट होम। फर्स्ट वॉश में ही इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। पहले तो जानते हैं कि डैंड्रफ क्यों होता है। डैंड्रफ इसलिए होता है कि हमारे स्कैल्प को ज़्यादा हम ड्राई रखने से होता है, या फिर ज़्यादा हम हेयर वॉश ओवर वॉशिंग के वजह से भी होता है, जिससे एक्सेस हमारे जो स्कैल्प में जो एक्सेस ऑयल है वो वॉश आउट होने के कारण ड्राई हो जाता है। ड्राई होने से हमारे बाल में डैंड्रफ आता है, और बाल हमारे काफ़ी स्कैल्प को काफ़ी हम ड्राई रखेंगे तो भी डैंड्रफ आता है। ज़्यादा ऑयलिंग नहीं करने की वजह से भी, ज़्यादा एक्सेस ऑयलिंग करने की वजह से भी डैंड्रफ आ जाता है। जो लोग कंडीशन नहीं करते हैं स्कैल्प को, तो उसके वजह से भी, जो हम हेयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं हमारे स्कैल्प में और बाल में, उसकी वजह से भी आ सकता है डैंड्रफ। बिकॉज उसमें मिनरल ऑयल रहता है, सल्फेट फ्री नहीं रहता है, तो इसकी वजह से भी आ जाता है। आज मैं बताऊँगी लेमन से हम कैसे क्योर कर सकते हैं डैंड्रफ को। दैट इज़ बाय यूजिंग अ थ्री वेज। आप अच्छे से हाफ कट कर लीजिए लेमन को। हाफ में कट करके फर्स्ट अच्छे से पूरा स्कैल्प में आपको रब करना है लेमन को। पहले स्क्वीज कीजिए, हल्का सा स्क्वीज कीजिए लेमन को। उसके बाद पूरा स्कैल्प में आपको ऐसे रब करना है, पूरा स्कैल्प में रब करना है। लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डैंड्रफ स्कैल्प में होता है, तो स्कैल्प में कर लीजिए। स्कैल्प में अच्छे से रब कीजिए, लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यू जस्ट 15 to 20 minutes या फिर हाफ एन आवर मैक्सिमम आप वेट कर लीजिए। देन रिंस ऑफ विद द वाटर, शैम्पू कर लीजिए, रेगुलर शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वॉश में ही आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि आपका जो स्कैल्प में जो डैंड्रफ है वो ज़्यादा हद तक रिमूव हो जाएगा। बट आपको कंटिन्यूसली इसको यूज़ करना है। बट मेक श्योर जब भी आप थोड़े लोगों को लेमन सूटेबल नहीं होता है स्कैल्प में, इचीनेस हो जाता है या फिर रिएक्शन हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी बिफोर अप्लाइंग अ लेमन ऑन योर स्कैल्प, प्लीज़ मेक श्योर यू डू अ पैच टेस्ट ज़रूर कीजिए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल अप्लाइंग लेमन, देन ओनली यू अप्लाई लेमन ऑन योर स्कैल्प। दूसरा तरीका ये है कि आपको ऑयल, किसी भी ऑयल के साथ यूज़ करना है लेमन जूस को। जी हाँ, यहाँ पे मैंने लिया है कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, और यहाँ पे मैंने हाफ स्लाइस ऑफ लेमन लिया है। उसको अच्छे से ब्लेंड कर कीजिए हाथ से ही, अच्छे से ब्लेंड करके आप अपने स्कैल्प में लगाइए। स्कैल्प में लगा के जस्ट वेटेड फॉर हाफ एन आवर, उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए। आपको लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्कैल्प में ही लगा के छोड़ दीजिए। अच्छा रिजल्ट मिलेगा वन वॉश में, यू कैन सी द डिफरेंस। थर्ड वे ये है, मैंने यहाँ पे शैम्पू में मिला के लगाया है। जो भी आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसमें आप स्क्वीज आउट करके, हाफ लेमन इज इनाफ, हाफ लेमन को स्क्वीज आउट करके थोड़ा पानी में आप डाइल्यूट कर लीजिए शैम्पू को। डाइल्यूट कर लेमन जूस ऐड करके जस्ट शैम्पू कर लीजिए पूरा स्कैल्प में और लेंथ में लगाइए। सी एन इंस्टेंट रिजल्ट आफ्टर। तरीका है ये जो आप यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ कम्फर्टेबल फॉर यू, यू पीपल कैन यूज़ टू क्योर अ डैंड्रफ। बट मेक श्योर कि लेमन इज सूटेबल फॉर योर हेयर और अ स्कैल्प। अगर आपके स्कैल्प में रिएक्शन करता है लेमन से, सो डोंट यूज़ इट। तो जब भी आप करेंगे आपको ये इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा फॉर श्योर। फर्स्ट वॉश में ही आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने आप थ्री वेज बताया कि लेमन को हम कैसा यूज़ कर सकते हैं डैंड्रफ को क्योर करने के लिए। तो इस तीनों स्टेप को आपको सेपरेटली यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ बैक टू बैक यू आर डूइंग इट, नो। वन टाइम यू डू ओनली वन प्रोसीजर। सिर्फ एक ही बार में आपको एक ही चीज़ लगाना है, या फिर शैम्पू के साथ लगाइए, या फिर नेक्स्ट अगले टाइम जब आप करेंगे ये रेमेडी तो आप दूसरा लीजिए, ऑयल में लगाने का कोशिश कीजिए। तीनों एक साथ ना करिए, तीनों जो रेमेडी मैंने बताया है तीनों रेमेडी को एक साथ ना करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वॉश में आपको इंस्टेंट रिजल्ट आया तो आपको ये रेमेडी छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू कंटिन्यूसली, थोड़े दिन के लिए आपको करना है, देन आप देखेंगे कि परमानेंटली आपका जो डैंड्रफ है क्योर हो चुका रहेगा। तो मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी। तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है शैलजा रविंद्र कुमार, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, प्लीज़ डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। थैंक यू।